नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। लद्दाख में सीमा विवाद और भारत चीन के बीच LAC पर टकराव को 3 महीने बीत चुके हैं, लेकिन विवाद खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। इस बीच रक्षा मंत्रालय का मानना है कि पूर्वी लद्दाख में स्थिति संवेदनशील बनी हुई है और चीन की आक्रामकता का जवाब देने के लिए तुरंत कार्रवाई की जरूरत है। पहली बार आधिकारिक तौर से रक्षा मंत्रालय ने अपनी वेबसाइट पर वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चीनी सेना के अतिक्रमण के बारे में एक दस्तावेज अपलोड किया। हालांकि अब इसे हटा दिया गया है, लेकिन सोशल मीडिया पर इस दस्तावेज की कॉपी अब वायरल है, जिसको लेकर विपक्ष भी हमलावर है। इस कॉपी के मुताबिक LAC यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर चीन की आक्रामकता लगातार बढ़ती जा रही है, जो खास तौर से 5 मई की गलवान घाटी में सबसे पहले हुई थी। इस रिपोर्ट में यह भी लिखा गया है कि चीन की तरफ से ट्रांसग्रेशन यानी कि अतिक्रमणता कुगरंग नाला, गोगरा और पेंगोंग सो लेक के उत्तर में 17-18 मई से शुरू हुई थी। बता दें कि पिछले 3 महीने से पूर्वी लद्दाख से सटी LAC पर भारत और चीन के बीच टकराव की स्थिति बनी हुई है। चीन ने गलवान घाटी, गोगरा, कुगरंग नाला, हॉट स्प्रिंग और पेंगोंग सो लेक से सटे फिंगर एरिया में विवादित इलाकों में घुसपैठ कर रखी है। इस दौरान 15 जून को गलवान घाटी में हुई हिंसा में दोनों तरफ के सैनिक हताहत हुए। रक्षा मंत्रालय के मुताबिक LAC पर चीन द्वारा की गई एक तरफा आक्रामकता पर लगातार नजर बनाए रखने की जरूरत है और इसके खिलाफ तुरंत कार्रवाई करनी भी जरूरी है। रक्षा मंत्रालय के इस दस्तावेज से एक नए विवादित इलाके का भी पता चला। ये है कुगरंग नाला, जो कि पेट्रोलिंग पॉइंट 16 है। ये पेट्रोलिंग पॉइंट 15 यानी गोगरा और पेट्रोलिंग पॉइंट 17 यानी कि हॉट स्प्रिंग के बीच में है। गलवान घाटी का पेट्रोलिंग पॉइंट नंबर 14 है। ये पेट्रोलिंग पॉइंट भारत के चाइना स्टडी ग्रुप ने तैयार किए थे। LAC पर चिन्हित इन पॉइंट तक ही भारतीय सैनिक पेट्रोलिंग करते हैं। पूर्वी लद्दाख से सटी LAC पर कुल 65 पेट्रोलिंग पॉइंट है, जो DBO से सटे काराकोरम के पास से शुरू होकर डेमोचक तक हैं। इसके बाद से दोनों देशों के बीच डिसएंगेजमेंट और डीएस्केलेशन को लेकर कई बार सैन्य और राजनयिक स्तर पर बातचीत हो चुकी है, लेकिन स्थिति अभी भी संवेदनशील बनी हुई है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।